तो दोबारा से पीस लेंगे, थोड़ा सा कलर डालेंगे, फूड कलर डालेंगे, इमली का रस डालेंगे। अच्छा अभी मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, सिर्फ ये मैंने जीरा अजवाइन इसके साथ सौंफ को पीस के इस पानी में डाल देना जो पानी पकने के लिए रखा है, और ये खट्टा पानी तैयार हो जाएगा। सेकंड हमने क्या बनाना है उसको मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी, लेकिन टाइम है, छोटे से ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए, और ये जो खट्टा पानी बनाया था मैंने, इसका मैं बता देती हूँ, मैंने इमली का रस लिया था, इसके साथ इसके अंदर चार ग्लास पानी थे, इसके साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया था काला नमक आधी चाय का चम्मच, इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च और जीरा अजवाइन आधी चाय का चम्मच, और सौंफ, इनको मैंने क्या किया था तवे पे भूनकर, फाइबर में भूनकर इसको पीस के वो भी इसमें शामिल कर दिया। ये देखिएगा ये खट्टा पानी तैयार हो चुका है, इसको थोड़ा पकाना है और इसमें उबाल आ जाए। अच्छा इसके बाद हम आ जाते हैं खजूर की चटनी की तरफ। खजूर की चटनी तो आप नोट कर लीजिएगा, मैंने 100 ग्राम की जितनी खजूर ले ली थी, खजूर को मैंने इसके अंदर 1 कप पानी डाल के इसको पका लिया था, ठीक है, खजूर की चटनी को पका लिया। अब इसके अंदर मैं इमली का रस डालूंगी और इसको ब्लेंडर में हमने पीस लेना है। पीसने के बाद दोबारा इसको मैं डालूंगी फ्राई पैन के अंदर, और इसके अंदर आपने चीनी या गुड़ जो भी आप मतलब 1 खाने का चम्मच डाल दीजिएगा, और साथ में थोड़ा सा नमक डाल देंगे और 1-2 कतरे फ्रूट कलर के डाल देंगे। इसको मैं जरा इसमें पीस लेती हूँ ब्लेंडर के अंदर, ताकि ये सासों में पकती रहेगी। फिर आ जाएंगे हम जो हमारी मतलब एक हरी चटनी है। हरी चटनी मेरे ख्याल में सिंपल है, इतना ज्यादा उसमें कुछ नहीं है, सबको पता है। हरी चटनी के अंदर सिर्फ दही 1 कप ले लीजिएगा, 4 जगह लहसुन के ले लीजिएगा, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, नमक और नींबू का रस, तो वो हम हरी चटनी एक साथ में बना लेंगे दही वाली। अच्छा खजूर इसमें डालती हूँ, ये मीठी चटनी है, खजूर की चटनी आपने देखा होगा गाढ़ी जो सी जो उसके साथ होती है, इसको मैं पीस लूंगी पहले, फिर दोबारा इसको पकाने के लिए रखना है। और इसके साथ हमारे साथ कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रीता आपकी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा है, आपको पसंद है? हाँ जी बहुत, मैं शौक से देखती हूँ। अच्छा चले, और तायरा आप मतलब आज के सवाल का क्या जवाब देंगे? तायरा मुल्तान का होता है, सोन मुल्तान का होता है जी। अच्छा चले ठीक है, और कोई फरमाइश करनी है आपने, कुछ कहना है? फरमाइश में आपसे चिकन रोल बना, चिकन रोल पराठा रोल जी, जो मर्जी चलो, काफी होते हैं ना। अच्छा चलो ठीक है, बिल्कुल बता देंगे, सही है जी, हाँ जी। और तो नहीं आपने कुछ कहना? और जितना आपने मेरी बहन ने कॉल की थी नसीरा ने, अच्छा उसको आपने बताया था जो केक है वो पतीले में भी बना सकते हैं? इंशाल्लाह अभी अगले हफ्ते में मैं बना रही हूँ केक, और एक केक मैं आपको बता दूंगी पतीले में, ठीक है, ताकि आप यहाँ देख लें, आप लोग भी बना लें, ठीक है। चले बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और जवाब भी हमने नोट कर लिया, और ये खट्टा पानी तैयार है, इसको मैं वहां रख देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए, ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये ठंडा हो जाएगा। तो अब ये खजूर की जो चटनी बनानी है, इसको खजूर को मैं खजूर को पीस लिया, इसको मैं यहाँ रख दीजिए ताकि आप भी इसको देख सके। इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर, जरा सा नमक, और इसके साथ चीनी या गुड़ जो भी आपको आसानी से मिल जाता है आप वो ले लीजिएगा एक खाने का जगह, और जरा सा इसको फूड कलर डालेंगे ताकि थोड़ा सा ये पक जाए, ठीक है। इस तरह से हम इसको हल्का सा कलर डालेंगे, ये देखें रेड सा कलर आ गया। ये लाल वाली चटनी आपने देखा होगा बाजार से, आपको हर जगह पे आराम से मिल जाती है जब आप गोलगप्पे लेते हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि इसके अंदर जो उबाल आ जाए, तो वरना ये होता है कि खराब हो जाती है अगर हम इसको वैसे छोड़ेंगे। इसको मैं यहाँ रखती हूँ, और अब गोलगप्पों की तरफ आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं ताकि वो फ्राई हो जाए। ये सारी चीजें यहाँ रख देती हूँ,
ताकि आप भी इसको देख सकें। अगर थोड़ा सा टाइम हमारे पास हुआ तो हम और भी इसको बना लेंगे। ये पकड़ी जा रही है, इसको मैं मिक्स कर लूँ ताकि इसका जो कलर है वो सही आपको नजर आ जाए। रेड सा कलर होता है, ये रेड कलर। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। हम इसको गर्म ऑयल में डालेंगे। ठीक है, ये नहीं आ रख देती हूँ। और ये चटनी, हम हरी चटनी तो वैसे ब्लेंड में सारी चीजें अच्छा डालेंगे और इसको हमने पका लेना है। गर्म हो रहा है ऑयल और स्पून। ठीक है, मैं ये ले लेती हूँ। अच्छा, इसका ये है, अलग अलग तरह के हम डाल रहे हैं। थोड़े से जो है हम डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, चिपक गया है। खैर, छुरी से मैं डालूंगी। एक डाल के देती हूँ। बिस्मिल्लाह। और ये देखें, फूल गया है। देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये फूल गया। फिर इसी तरह हम इसमें एक एक डालते जाएंगे और इसको निकालते जाएंगे। ये देखें। अच्छा, थोड़ा इसको स्लो फ्लेम पे पकाएगा ताकि इसका कलर जो है डार्क आ जाए। अच्छा, एक मैंने डाला है वो ये है सूजी और जो नॉर्मल घर के आटे का है। अब ये मैं डाल रही हूँ, ये है चक्की के आटे का। ठीक है, इस चक्की के आटे का दोनों, ताकि आप लोगों को जो चीज आसानी से मिल जाए, जो चीज आसानी से बन जाए वो ज्यादा अच्छा है। ये देखें, ये चक्की के आटे का। थोड़ा ये ज्यादा नहीं फूला और इसको मैं, ये देखें, ये इस तरह से हम इसको साथ साथ में रखते जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जरूरी नहीं है, कुछ फूल जाते हैं कुछ नहीं फूलते। और ये देखें कितना अच्छा सा ये फूल गया है। ये हम निकाल लेंगे। ये डार्क वाला ये हो गया, ये सूजी वाला है। इसके साथ ये जो मैंने डाला था एक चक्की के आटे का था। और ये जैसे ये छोटा सा, अगर आपको लग रहा है कि ये भाई नहीं ज्यादा मतलब भूला, तो कोई बात नहीं, हम इसको रख देंगे। दोबारा इसको जब आप चने की चाट बनाएंगे तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि सारे एक साथ आप ना डालें, वरना ये होगा कुछ टाइम पे आपको थोड़ा सा इसको मुश्किल हो जाती है कंट्रोल करने में। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का सा आपने मामूली सा इसको प्रेस करना है। बहुत ज्यादा आप इसको प्रेस नहीं कीजिएगा। ये इनको मैं निकालती जा रही हूँ। चटनियाँ भी तकरीबन तैयार हो चुकी है, हरीसा भी तैयार है। एक जो हमारी चटनी रहेगी वो जो है हरे चटनी, जो दही वाली, उसको हम साथ साथ में बना लेंगे। उसका इतना टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए, इसको मैं फौरन के फौरन पलट रही हूँ। अच्छा, ये इसको इस तरह से फौरन पलट लेंगे ना तो भी सही रहता है, तो भी होता है कि फूल जाते हैं। इसको भी निकाल लेते हैं। और बहुत, अगर आप इसको चाह रहे हैं इसे रखना काफी, मतलब उस तरह के भी वो ये जो गोलगप्पे हैं ये एक दफा बना के रखना, तो इसको ठंडे करके फिर आपने क्या करना है, इसको आपने जार में डालना है किसी में, ताकि वो उससे ये होगा कि ये जो गोलगप्पे हैं वो काफी मतलब दिनों तक क्रिस्पी रहेंगे। वरना ये होता है ये क्रिस्पी नहीं होते हैं। ठीक है, ये देखें, ये हो गए फूले हुए। थोड़ी सी मेहनत जरूर होती है, लेकिन ये चीज आप अपने घर में बनाए, साफ सुथरी बनाए, और खुशी जब भी होती है जब वो चीज आपकी सही बने, जो चीज वेस्ट ना जाए। अच्छा, कुछ यहाँ चिपक गए हैं, मैंने उसको पहले से बना के रखा हुआ है। चटनी का ये कि जिसमें लहसुन और इसके साथ साथ मैंने इसके अंदर दही, हरी मिर्चें और नमक और उसके साथ थोड़ा सा लीमू का रस, ये सब चीजें एक साथ डालेंगे और डाल के हम इसको पीस लेंगे। ठीक है, ये मैं एक एक करके डालने जा रही हूँ। काफी मतलब मेहनत का काम होता है। जब गोलगप्पे हम लेने जाते हैं तो फटाफट सारी चीजें उसमें डाल के पैक करते हैं। अच्छा, ये देखिए चटनी भी तैयार होगी। अब ये सारे गोलगप्पों को मैंने फ्राई करना, और आपको नजर आ गए होंगे, आप देख रहे होंगे कि फूल गए हैं। अब दोनों तरह के मैंने कर दिए हैं। एक मैंने जो बनाया है वो सूजी और इसके साथ वो था नॉर्मल घर का आटा, और एक है ये चक्की के आटे के। अच्छा, दोबारा से फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, इसलिए आप, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो जाए, आप लोग जब बनाए तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम सारी ना हो कि फूले हैं या नहीं फूले। ठीक है, ये मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया। अभी इसको, अच्छा, जैसे ही आप इसको इसके अंदर डालें, फौरन आप इसको जरा सा हल्का सा प्रेस कर लिया करें तो फूल जाते हैं, वरना अगर आप छोड़ेंगे तो फूलेंगे नहीं। चलो, इनको सबको निकाल लेती हूँ। अच्छा, टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का और हम चलते हैं ब्रेक की तरफ।